पहले कैसे आऊंगा। तो आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब भी आपके हृदय में कोई विचार पैदा हो और उस विचार के विरोध में जब तक आपके हृदय में एक नकारात्मक विचार पैदा ना हो तब तक उस विचार के पूरे होने की 100% संभावनाएं रहती हैं। फिर से कहूं, आपके हृदय में कोई विचार पैदा हुआ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी को चढ़ना है, विचार पैदा हुआ। अब जब तक आपके विचार हृदय में इसका नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होता, जब तक आप ये नहीं सोच लें अरे वहां चढ़ेंगे फिसल गए तो, गिर गए तो, अब मान लो वहां पर चढ़े ठंडी कितनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होगी, खाने की क्या जरूरत होगी, घर छूट जाएगा, जैसे ही निगेटिव थॉट्स आते हैं वैसे ही आपके पॉजिटिव थॉट्स की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। चाहे आप फोर्थ क्लास में पढ़ते हो, आप सिक्स में पढ़ते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप घर चलाते हो, चाहे आप साधना करते हो, चाहे आप आचार्य हो, चाहे अरिहंत हो, जहां भी नकारात्मक विचारों ने आपके जीवन में प्रवेश किया और आप असफल होना शुरू हुए, और यही नकारात्मक विचार जब तक दिमाग में नहीं आते अरे नहीं हम सब कर लेंगे, तुमने इसके माइनस पॉइंट्स के बारे में सोचा नहीं, हमने माइनस पॉइंट्स के बारे में ना देखा ना सोचा, मात्र हमने पॉजिटिव पॉइंट्स सोचा अपना लक्ष्य। महाभारत के उस प्रसंग से अपने को भी प्रेरणा लेनी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सारे शिष्यों से एक साथ कहा कि तुम्हें पेड़ में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है कि डाल पत्ती, कोई कह रहा है कुछ, कोई पंछी, कोई चहचहाट, दुनिया भर की बातें, लेकिन लक्ष्य भेदने वाले ने कहा कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब तक आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखाई देता रहेगा तब तक आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बच्चे बाहर रह करके कर रहे हैं, इंदौर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोटा में, रायपुर में, भिलाई में, कहीं भी रह करके आपका बच्चा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम करता है, पास करता है, आपको क्या लगता है बच्चा क्यों पास नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं। कोई भी बच्चे CA CS करने वाले, IAS करने वाले, IPS करने वाले, IRS में जाने वाले, सिम्बोसिस में जाने वाले, ME करने वाले, BTEC करने वाले, ये अपने कॉम्पिटिशन में पास क्यों नहीं होते हैं पहली बार में? इसका सबसे बड़ा कारण एक तो निगेटिव थॉट्स है, और दूसरा उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन का बैकअप तैयार करके रखा है। हर पढ़ने वाला स्टूडेंट जब आपके घर से निकल करके कहीं भी कोचिंग एलिन ज्वाइन करता हो, चाहे वो बाजीराव ज्वाइन करता हो, चाहे कहीं भी ज्वाइन करता हो, नाहटा जाता हो, चाहे कहीं भी पढ़ता हो, उसके दिमाग में जब तक ये बैकअप रहेगा कि अगर मेरा IPS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, जब तक आपके पीछे आपके दिमाग में आपका बैकअप है तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। और अगर आपके दिमाग में बैकअप नहीं है, अगर मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो सर्विस क्लास वालों में देखिएगा आप रह करके कि अगर पिता सर्विस क्लास में रहते हैं तो बच्चे की सर्विस 100% लग जाती है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरा अगर सर्विस नहीं लग रही है तो इसके अलावा मेरा कोई बैकअप नहीं है। और जो बिजनेस सेक्टर से बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं और अर्थकारी विद्या पढ़ते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन जो लेने के लिए बड़े बड़े हायर इंस्टीट्यूट में, IIT में जाते हैं, किसी भी बच्चे के दिमाग में जब तक बैकअप रहेगा कि अगर मैं CA में पास नहीं हुआ तो पापा की दुकान चला लूंगा, अगर मेरा MD MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं BDS कर लूंगा, अगर मेरा BDS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं DMLT के कोर्स करके पैथोलॉजी की दुकान खोल लूंगा, अगर मेरा वकालत में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपना चेंज कोर्स करके कॉमर्स को पकड़ के कहीं और चला जाऊंगा। आपने जब आप घर से निकले हैं तो अपना बैकअप साथ में लेकर के निकले हैं, और जो आदमी अपना बैकअप साथ में लेकर के निकलता है उसको अप नहीं होता, मात्र बैक होता है। और लाइफ में इसलिए बार बार बैक लगता है, पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं। CA के लास्ट पेपर में देखना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक पेपर से रुक जाता है, और जैसे ही वो एक पेपर से 4-6 बार रुक जाता है तो फिर वो अपना बैकअप एक्सक्यूज चूज करता है कि
मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं। उसने दिमाग में आपका बैकअप आपको आगे नहीं होने देता। और आचार्य श्री जी कभी भी अपना बैकअप नहीं रखते साथ में। आप तो अपने मोबाइल का भी बैटरी बैकअप रखते होंगे ना, उनका कोई बैकअप नहीं है लाइफ का। गुरुदेव इस कृतिकार मुख माटी के रचनाकार जब भी कोई काम करते हैं तो एक्सक्यूज कभी नहीं सोचते। महापुरुषों की खासियत रहती है, वो ये नहीं सोचते कि अगर ये नहीं कर पाए तो ये करेंगे। आचार्य श्री जी क्या सोचते हैं, पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अगर आप ऐसा सोच बैठे कि मुझे पहले अपना धंधा करना ही है, मुझे अपना बिजनेस करना ही है, मुझे मंदिर जाना ही है, मुझे पूजा करना ही है, पहले मैं अभिषेक करूंगा, बाद में दुनिया के सारे काम करूंगा, पहले मैं सीए की पढ़ाई करूंगा, बाद में मैं दुनिया के सारे काम करूंगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अपना एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं और आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये एनर्जी इनबैलेंस करने का सबसे बड़ा कारण है आपकी माइंड का बैकअप। और आचार्य श्री जी यहां कृतिकार मुख माटी के रचनाकार क्या कहते हैं, इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, प्रयास करने से कभी अपने आप को छोड़ मत देना, और आलस्य करना नहीं, और आलस भी मत करना।